पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा, साइन कॉस टैन कॉस सेक और कॉसेक। ठीक है, हमने पढ़ा कि कैसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, वो होते क्या है, और त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित कुछ हमने फॉर्मूले पढ़े। इस वीडियो में मैं आपको तीन चार उदाहरण सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा समझ आएगा कि क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे सॉल्व करते हैं। पहला उदाहरण है, इसमें हमें दिया हुआ है कि अगर टेन ए है 4/3, टेन ए की वैल्यू दी हुई है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए, यानी कि साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए एंड कॉस ए, ये सब हमको पता करना है। टेन ए हमें दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इसमें हमारा टेन ए, टेन ए क्या होता है, लंब बटे आधार, ए के लिए लंब क्या होगा, ए के सामने की भुजा यानी कि बी सी, और आधार क्या होगा ए बी, ये हमें दिया हुआ है 4/3। तो हम मान लेते हैं कि जो बी सी है वो हमारा 4K है, बी सी जो हमारा है वो 4K है, और जो हमारा ए बी है वो 3K है। ठीक है, अभी हमें ए बी और बी सी पता है, ए सी नहीं पता है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के, गड़बड़ हो गए तो ठीक कर लेते हैं। प्लस आधार के वर्ग से। ठीक है, यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो एसी का वर्ग बराबर होगा बीसी के वर्ग से प्लस एबी के वर्ग से। बीसी हमारा है 4K, बीसी हमारा क्या है 4K, इसका वर्ग प्लस ए बी कितना है 3K, इसका वर्ग 4K का वर्ग कितना होगा 16K स्क्वायर, प्लस 3K का वर्ग कितना होगा 9, और फिर K का वर्ग जो कि 16×9 कितना हो जाएगा 25, 23K का वर्ग। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है ए सी का वर्ग, हमें ए सी निकालना है, तो दोनों साइड क्या दे देंगे, वर्गमूल ले देंगे, तो 25K स्क्वायर का वर्गमूल और ए सी स्क्वायर का वर्गमूल, 25K स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5K, परंतु ए सी स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा ए सी, तो हमें ए सी पता चल गया, ए सी कितना है 5K, 5K। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए, साइन ए क्या होता है बटे लंब। ठीक है, लंब कितना है, लंब है बी सी जो कि है 4K, और कर्ण है ए सी जो कि है 5K, यानी कि साइन ए कितना हो जाएगा 4/5, क्योंकि के और के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना हो गया 4/5। इसी तरह से हम कॉस ए निकाल सकते हैं, कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर, ठीक है, आधार कितना है, आधार है यहाँ पे 3K बटे कर कितना है 5K, के और के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास कर, वो कॉस ए हो जाएगा 3/5, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। इसके अलावा हमें क्या निकालना है, कॉट ए
एक औजार कॉट ए, हमें पता है कि टैन का उल्टा होता है, तो टैन 4/3 है, तो कॉट ए कितना हो जाएगा, 3/4। सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है, कॉस ए हमारा कितना है, 3/5 है, तो सेक ए कितना हो जाएगा, 5/3। कॉसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, साइन ए कितना है, 4/5, कॉसेक ए कितना हो जाएगा, 5/4। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर टेन ए एट है तो हमें निकालना है कि 2 sin a cos a कितना होगा। टेन ए एक है, हमें पता है कि टेन कौन से कोण का टेन एक होता है, हमें पता है कि 45 डिग्री का टेन एक होता है। इसका मतलब कि ए जो हमारा है कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। अब हमें ये निकालना है, 2 एक ही हम 45 रख देंगे, थोड़े और एक ही हम फिर से 45 रख देंगे, इससे हमारा क्या आ जाएगा, 2 sin 45 कितना होता है, 1/2 का वर्गमूल, थोड़े cos 45 कितना होता है, 1/2 का वर्गमूल। ये हो जाएगा 2 × 1 × 1 कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा, बटे वर्गमूल 2 का, और 2 का वर्गमूल, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हमारा हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक और तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमें इस ये जो दिया हुआ है, sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60, इसका मान निकालना है। तो हम सबके मान रख देते हैं, sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है 3 का वर्गमूल/2, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है 3 का वर्गमूल/2, ये भी उतना ही होता है, प्लस sin 30 कितना होता है, 1/2, और cos 30 कितना होता है, ये भी होता है 1/2, ये हो जाएगा 3/2 × 4 + 1/2 × 4, 3 × 1 = 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। एक और लास्ट सवाल हम देख लेते हैं, चौथा, जिसमें कि हमें दिया हुआ है कि sin a - b 1/2 है, cos a + b 1/2 है, और जो a + b है वो 0 और 90 के बीच में है, और ए हमारा बी से बड़ा है, तो हमें पता करना है कि ए कितना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है sin a - b 1/2, हमें पता है कि कौन से कोण का साइन 1/2 होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका मतलब ये a - b और ये 30 बराबर होने चाहिए। यहाँ से हमें पता चलेगा a - b बराबर 30 डिग्री, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण एक। ऐसे ही हमें दिया हुआ है cos a + b बराबर 1/2। अब cos के कौन से कोण का cos जो है वो 1/2 होता है, ये होता है cos 60 का मान होता है 1/2, तो इससे हमें पता चला कि जो a + b है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 60 के इक्वल। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब हमारे पास 2 समीकरण है, हम 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो a और a जोड़ के कितना हो जाएगा, 2a प्लस b और माइनस बी जोड़ के कितना हो जाएगा, 0, इक्वल टू 60 और 30 दोनों मिल गए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ से हमारा ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री / 2 बराबर
डिग्री इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा, ए की वैल्यू हो गई 45 डिग्री 4a का मास। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में देखते हैं।